आज का जो क्लास है, मैं आपसे जनरल क्वेश्चन करने वाला हूँ, इस्लामिक के सिलसिले में भी और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी। जिनको आता, जिनके पास मैं जाऊँगा, वो पहले अपना नाम बताना और फिर क्लास बताना, फिर मैं जो क्वेश्चन करा उसका आंसर देना। राइट, रेडी है ऑल ऑफ यू? चलिए, सब में पहला क्वेश्चन है, बेटा आपका नाम बताइए। एट से। अच्छा, बताइए पुराने करीम में टोटल कितने आयते हैं? 6,666। वेरी गुड, माशाल्लाह। पुराने करीम में टोटल 6,666 आयते हैं, जो ये अब्दुल माजिद सही जवाब है, अब्दुल वाजिद। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, आपका नाम बताइए। मोहम्मद यूनुस आदिल। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है, इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स है? 29 स्टेट। माशाल्लाह, सही जवाब। इंडिया के अंदर टोटल जो स्टेट्स है वो कितने हैं? 29। चलते हैं तीसरे बच्चों के पास। बेटा आप खड़े जाइए, आपका नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम, जोर से बोलिए। जी जोर से बोलिए। यस, आपसे क्वेश्चन ये है कि कुरान करीम में वो कौन सी सूरा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? कुरान करीम। वेरी गुड, सही जवाब दिए, माशाल्लाह। कुरान करीम की वो सूरह सूरह तौबा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, सही जवाब दिया आप, माशाल्लाह। अब चलते हैं और एक बच्चा। बेटा आप, आपका नाम बताइए। आपसे क्वेश्चन ये है कि 2014 का इलेक्शन इंडिया में कौन सी पार्टी जीती थी? पार्लियामेंट का इलेक्शन। वेरी गुड, शाबाश, सही जवाब। बीजेपी जीती थी। कौन सी पार्टी जीती थी? बीजेपी जीती थी। भारतीय जनता पार्टी 2014 का इलेक्शन जीती थी। शाबाश। चलते हैं और एक, खड़े जाइए, आपका नाम बताइए। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। देख सकते हैं ये बच्चा हाफिज कुरान है, और इनकी उम्र कितने साल है? आपकी उम्र 15 साल है, हाफिज कुरान है, और 9th क्लास में हिफ्ज करने के बाद सीधे 7th क्लास 8th 9th क्लास में है बच्चा। आपसे क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जंग का नाम बताइए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दांत मुबारक शहीद हो गई थी। जंगे बदर। जंगे बदर, गलत आंसर। तो जंगे उहद, क्या आंसर है उसका? जंगे उहद के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत दंदाने मुबारक शहीद हुआ था। बैठ जाइए आप। चलते हैं और एक बच्चे के पास। बेटा आप बताइए आपका नाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल्ला बिन ईसा। आपसे क्वेश्चन ये है, तेलंगाना स्टेट्स है ना, तेलंगाना स्टेट्स का कैपिटल सिटी क्या है? हैदराबाद। गुड, सही आंसर। बेटा आपका नाम बताइए। 8th क्लास। आपसे क्वेश्चन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला उम्र कितनी है? जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला उम्र, एज 60। अरे 60, सही आंसर नहीं दिया आप। मैं बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुमला उम्र है वो है 63 इयर्स। 63 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला उम्र है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं और एक बच्चे के पास। आप बेटा आपका नाम बताओ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
अहमद तमीमी माशाल्लाह बागस से है। आपका नाम बता दिए आप। आपसे क्वेश्चन ये है कि वेस्ट बंगाल WB वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी क्या है? नहीं मालूम। बेटा आपका नाम बताओ। हसन फारूकी। अच्छा बताइए कर्नाटका का कैपिटल सिटी क्या है? बैंगलोर। शाबाश सही आंसर दिया, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन और बच्चे के पास चलते हैं। चलते हैं हमारे बच्चे के पास। बेटा आपका नाम बताइए, जोर से बोलिए। मोहम्मद बिन आवद वहलान। आपसे क्वेश्चन ये है BSF का फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड, सही जवाब। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है BSF का फुल फॉर्म। चलते हैं और एक बच्चे के पास। बेटा आपका नाम बताओ। जी बताइए, आपसे क्वेश्चन ये है UNO का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म। चलिए चलते हैं और एक बच्चे के पास। बेटा आपका नाम बताइए। वालेकुम सलाम। जरा जोर से बोलो बेटे। माय नेम इज मोहम्मद जमील, आई एम स्टडिंग साइंस। जी आपसे क्वेश्चन ये है, अब जो प्रेजेंट एशिया कप होने वाला है वो एशिया कप कौन कौन से मुल्क में होने वाला है? पाकिस्तान और वेरी गुड, सही आंसर है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में 4 मैचेस होने वाले हैं और बाकी मैचेस श्रीलंका के अंदर होने वाले हैं। मैच देखिए और फिर मज़े लीजिए और साथ में हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।